गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ रहे हैं आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान और मैं ये दावा करता हूँ यदि मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि वहीं आपको शॉर्ट नोट भी मिलने वाले हैं और उन्हीं शॉर्ट नोट के बलबूते पर मेरे स्टूडेंट्स ने 100% अंक हासिल किए हैं, तो आप भी ऐसा कर पाए। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर 2 की जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसकी तीसरी वीडियो में आप तक जो पहुंचाने वाला हूं जिसके महत्वपूर्ण विषय रहेंगे आज के मौर्य राजवंश के शासक। हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शासकों की और अंतिम शासक की। दूसरा है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध किसने किया और ये क्यों महत्वपूर्ण था ये भी बात करेंगे और कलिंग युद्ध के परिणाम क्या रहे। महत्वपूर्ण परिणाम थे अशोक से संबंधित, अशोक जो महान है उनसे संबंधित, तो वो चर्चा हम करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछली वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उससे संबंधित प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूं। देखते हैं आप कितने नंबर हासिल करते हैं। 11 में से 11 खाली स्थान में आपसे रिक्त स्थान भरवाने जा रहा हूं। चलिए बात कर लेते हैं। पहला है बृहद्रथ की राजधानी डैस्ते। बृहद्रथ राजा ने किसे अपनी राजधानी जो है वो बनाया था? इसका सही उत्तर है गिरिब्रज। बिल्कुल सही उत्तर है गिरिब्रज। नंबर दूसरा, बिंबिसार को डैस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये मगध के ऊपर दूसरा वंश था और इसे आपको जाना है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे, तो सही उत्तर है हर्यक वंश। तीसरा ये रहा, अजात शत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में, राजधानी में डैस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कुल 4 संगतियां हुई हैं, तो उनमें से कौन सी संगति हुई थी? और मैंने आपको बताया था ये थी प्रथम बौद्ध संगति। चौथा है, शिशुनाग ने अपने राज्य की राजधानी पाटलीग्राम, जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, से हटाकर डैस में स्थापित की कर दी गई थी। आपको बताना है पाटलिपुत्र से हटाकर किसे बनाया था राजधानी, तो सही उत्तर है वैशाली को उन्होंने बनाया था और उसके बाद कालाशोक आते उनके बेटे और उन्होंने फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम को बदल दिया था। पांचवा यह रहा, महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके डैस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, किस वंश की स्थापना की थी? तो सही उत्तर यहीं से आ जाता है और वह है नंद वंश की स्थापना की थी। छठा यह रहा, नंद वंश का अंतिम शासक डैस था, धन से संबंधित था। सही बोला धनानंद। और सातवां यह रहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने डैस की सहायता से युद्ध में धनानंद को पराजित किया था। इनके दो नाम और थे, आपको बताना है, तीन कुल नाम थे। सही गैस किया, इनका नाम था चाणक्य और चाणक्य की सहायता से ही युद्ध में धनानंद को पराजित कर मगध पर डैस वंश की स्थापना की थी। फिर से यही से नाम से पता लग जाता है और वह है मौर्य वंश की स्थापना जो है की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आठवां ये रहा, मेगास्थनीस एक डैस इतिहासकार थे। सही बताना है आपको, मेगास्थनीस कहां से थे? यूनान के इतिहासकार थे, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या भेजा था? एक राजदूत के तौर पर जो है वो भेजा था। आठवां ये रहा, कौटिल्य को डैस अथवा डैस के नाम से, यस कौटिल्य को और दो नाम से भी जाना जाता था और ये नाम थे विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये सही है। दसवां ये रहा, विशाखादत्त गुप्त काल का एक विख्यात डैस था। क्या था ये, विद्वान था या नाटककार था? सही उत्तर है नाटककार। और ग्यारहवां ये रहा, बौद्ध ग्रंथों नाम बताने हैं, कौन से ग्रंथ है जिसमें अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयासों का पता चलता है? और सही उत्तर है, बताएंगे आप, यह है दीपवंश और महावंश। शाबाश, सबने अच्छा किया। चलिए अब बात करेंगे आज और महत्वपूर्ण विषयों की जिसका बारे में मैं पहले कह चुका हूं। तो सबसे पहले लेंगे हम मौर्य राजवंश के शासक। तो मौर्य राजवंश के कुल शासक जो है 10 रहे हैं, जिनमें 3 महत्वपूर्ण जो है सम्राट रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंदुसार उनके बेटे और उसके बाद उनके बेटे अशोक, जिन्हें अशोक महान भी कहा जाता है। तो इन्होंने काफी लंबे समय तक जो शासन किया, लेकिन उसके पश्चात जो आगे के शासक आए वो निकम्मे साबित हुए और अंतिम ये कहूँगा निकम्मा शासक जो था वो था बृहद्रथ मौर्य। और 185 ईस्वी में ही इनके मृत्यु के साथ जो है मौर्य वंश की अंत हो जाता है।
पतन हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। हम केवल बात करेंगे अशोक तक, तीन महान शासकों के बारे में बात करेंगे मौर्य के। तो सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने स्थापना करी थी, उन्होंने शासन किया 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। तो कौटिल्य के साथ मिलकर, कौटिल्य जो गुरु थे उनके साथ मिलकर उन्होंने अंतिम शासक धनानंद को, क्योंकि कौटिल्य ने कसम खाई थी कि जब तक मैं तुम्हें हराऊंगा नहीं या युद्ध में पराजित नहीं करूंगा, अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा, और उन्होंने चंद्रगुप्त को जो है एक अच्छी शिक्षा दी और बड़ा होकर जो है एक अच्छा राजा बनाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि वो बने भी। तो उनको ध्यान में रखते हुए धनानंद, कभी मैं वही ध्यान किस चीज़ का, कौटिल्य गुरु के तौर पर, एक अच्छा गुरु जो है अपने शिष्य को एक छोटी सी जगह से बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है, इसमें जो है वो सक्षमता है। तो अपने गुरुओं का सदा सम्मान करो। तो धनानंद को हरा दिया गया, जो बहुत बड़ी सेना को लेकर जो है वो उसके पास थी, जिस वंश की तरफ जो है कभी सिकंदर ने भी जो है हार डालने का साहस नहीं किया था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ये अपने आप में बड़ी बात है, किसके सहयोग से, अपने गुरु कौटिल्य के सहयोग से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, ये जानना बहुत जरूरी है। और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मुख्य विजय की बात करेंगे। सबसे पहली जो विजय थी वो था पंजाब की विजय 322 ईसा पूर्व में, याद होगा सिकंदर की मृत्यु होती है, उसके बाद आते हैं फिलिप्स, लेकिन फिलिप्स की भी मृत्यु होती है और उसके कारण क्या होता है, अव्यवस्था फैल जाती है पंजाब में, और उसका फायदा जो है वो मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को, इस प्रकार से पंजाब पर अधिकार कर लेते। तो पहली विजय पंजाब की विजय 322 ईसा पूर्व। दूसरी महत्वपूर्ण विजय, सबसे बड़ी विजय, मगध की विजय 321, एक साल के पश्चात ईसा पूर्व। राजा जो धनानंद थे उनके अत्याचारों से लोग भी परेशान थे। तो जहां लोगों का राजा को साथ नहीं मिलता है तो उसकी हार निश्चित हो जाती है, यही फायदा हुआ। तो जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया तो धनानंद को उन्होंने क्षमा कर दिया था और उसे मगध छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया था, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कहीं किसी एक पर निर्णायक सहमति पाना वो मुश्किल कार्य। अगली जो विजय थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो था सेल्यूकस से युद्ध, सेल्यूकस निकेटर यूनान का जो है, ये भी सिकंदर का ही महान सेनापति था, 305 ईसा पूर्व में इसके ऊपर विजय हासिल की थी चंद्रगुप्त मौर्य में, और दोनों में जो है क्या हो गई, संधि हो गई, और इस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को जो उत्तर पश्चिम का जो बड़ा क्षेत्र था जिसमें क्या शामिल था, काबुल, कंधार, हीरात और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान पर उसका जो शासन था वो स्थापित हो गया इस सेल्यूकस के युद्ध के पश्चात। उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है, ये कौटिल्य की ही एक चाल थी, उसने उसकी पुत्री के साथ उसका विवाह करवा दिया ताकि आने वाले समय में कम से कम जो है उत्तर पश्चिम की तरफ से कोई डर ना रहे। तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार का राजदूत बना, 5 साल तक रहा, और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में जो कुछ लिखा उसी से ही हम ये जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 500, इसके अलावा यही नहीं, 500 हाथी भी भेंट स्वरूप उसको मिले, और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा इससे जो क्या होगी, बहुत बढ़ गई। अन्य विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने यही नहीं, उत्तर पश्चिम की तरफ ने उसने दक्षिण में भी जो है विजय हासिल की, जिसमें जो है सौराष्ट्र और दक्षिण मैसूर तक उन्होंने अपना स्थापित किया, राज्य स्थापित किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग पर जो है वो हाथ नहीं डाला, कलिंग को छोड़े रखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे नहीं जीता। साम्राज्य का विस्तार, अब उसका जो साम्राज्य विस्तार था, उत्तर में हिमालय से लेकर, ये हिमालय है, और दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था, पूर्व में बंगाल से लेकर जो है उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक को फैला हुआ था, जिसमें कलिंग शामिल नहीं था। क्लियर हो गया। अब चलते हैं उसके बेटे के पास, और बेटे का नाम था बिंदुसार। ये 298 में शासन राजगद्दी पर बैठते हैं और 273 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इन्हें जो है वायु पुराण में दो और नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भद्रसार कहा जाता है या सिंहसेन कहा जाता है। यूनानी संस्कृत भाषा की बात करें तो उसे अमित्रघात भी बताएगा। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसे लोग जो अमित्र हैं उनका नाश करने वाला। तो मगध पर ये बैठते हैं 298 ईसा पूर्व में, ठीक है। एक और चीज इनके बारे में है कि इनकी जो है 16 रानियां थी और 101 संतानें थी, याद रखना 101 संतानें थी, और सबसे बड़े बेटे का नाम जो सुसीम था और सबसे छोटे बेटे का नाम था तिष्य। बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम को जो भेजा गया था,
लेकिन दूसरी बार जो है क्योंकि सुसीम उसमें असफल रहे, फिर अशोक को भेजा गया और अशोक ने अपनी योग्यता दिखाई और इस प्रकार से तक्षशिला पर जो विद्रोह था उस पर जो विजय हासिल करी, शांतिपूर्ण विजय हासिल की, और इसी को देखते हुए जो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। तो बिंदुसार की जो मृत्यु होती है 273 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु होती है। अब आता है उनके बेटे अशोक जो उनसे भी ज्यादा योग्य थे। अशोक अशोक को काफी बड़ा एक जो है राज्य मिला था, साम्राज्य मिला था, लेकिन यहां पर देखिए 4 साल के बाद उनका सिंहासन पर जो है वो अभिषेक होता है 269 ईस्वी में। 273 में जो मृत्यु हो जाती है किसकी, हम बात कर रहे हैं उनके बेटे उनके डैडी की, मतलब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और 4 साल के पश्चात ही वो राजगद्दी पर बैठ पाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है उस समय क्या था कि जब भी अकस्मात किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके जो बेटे थे, जो 101 संतानें थी, उनमें जो है आपस में ही गृह युद्ध शुरू हो जाता है राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से अशोक ने केवल अपने भाई को छोड़कर, उसका एक सगा भाई भी था उसको छोड़कर, बाकी 99 ब्रदर को उसने जो है वो कत्ल कर दिया था और इस प्रकार से राजगद्दी प्राप्त करी थी। अशोक की बात करें उसकी योग्यता को देखकर ही उसे 18 वर्ष की आयु में ही उज्जैन का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। याद रखना उज्जैन का गवर्नर उसे नियुक्त किया था केवल मात्र 18 वर्ष में। तो तक्षशिला का विद्रोह उसने समाप्त किया शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद उसको तक्षशिला दे दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट, तक्षशिला उससे भी बड़ा जो है वो राज्य हुआ करता था उस समय। अब बात कर लेते हैं कलिंग युद्ध की, जो दूसरा विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है जो अशोक से संबंधित है। अशोक ने पहली और अंतिम जो लड़ाई लड़ी थी वो कलिंग था, और अशोक कलिंग के राजा के साथ लड़ाई होती जिनका नाम था अनंत पद्म नाभन। याद रखना अनंत पद्म नाभन के साथ 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध उस समय का ये सबसे विशाल युद्ध था और सबसे ज्यादा हिंसक भी था। याद रखना सबसे ज्यादा हिंसक माना जाता है कि उस समय लगभग 1 लाख सैनिक जो है इस युद्ध में काम आए थे, मतलब खत्म हो गए थे, मार दिया गया था कि उनके सर हाथ धड़ अलग कर दिए गए थे। तो उस खून खराबे को देख कहते थे कि 1.5 लाख के करीब बंदी भी बना दिए गए थे। ये जो खून खराबा इतना था कि इसको देखकर जो है अशोक का मन जो है वो बैठ गया और उसने कभी ना युद्ध करने की जो कसम खाई थी युद्ध भूमि में। और इस प्रकार से उसने अब युद्ध के अपेक्षा जो है लोगों के दिलों को जीतने की कसम जो है वो खाई थी। इस प्रकार से उसने ये पहली और अंतिम लड़ाई जीती थी और इस प्रकार से जो कलिंग था उसे जीतकर पांचवा राज्य जो है वो बनाया था। इसका मतलब है उस समय मौर्य साम्राज्य जो 4 प्रांतों में विभाजित था, कब, अशोक से पहले, लेकिन अशोक ने एक और राज्य जीता कलिंग, और इस प्रकार से पांचवा जो है ये पांचवा प्रांत बना कलिंग। ये हुआ अशोक के बारे में या कलिंग के युद्ध के बारे में। अब आते हैं आगे और आता है कलिंग युद्ध का परिणाम क्या रहा, इससे क्या प्रभावित हुआ, कई बार ऐसे पर कि अशोक का कलिंग के युद्ध से क्या प्रभाव पड़ा उसके जीवन में, वो भी इस तरह से पूछा जाता है। तो दोनों तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। परिणाम नंबर एक, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाना। अशोक ने अब इस खून खराबे को देखकर क्या किया कि भेरी घोष, भेरी क्या होते थे, जब भी युद्ध होता था तो शंख नाद किया जाता था और उस प्रकार से जो युद्ध था वो शुरू हो जाता था। उसने अब इस घोष के बजाय अब धर्म घोष की जो है वो कि बागडोर जो है ली, या उस तरफ को वो निकल पड़ा। अब उसने निर्दोष जो जनता थी उसके रक्तपात को देखकर उसे लगा था कि अब मैं दूसरी बार ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो इस प्रकार उसने युद्ध की नीति को त्याग कर दिया और धर्म की घोष की नीति को अपना लिया, धर्म की नीति पर चलना शुरू किया। यह पहला परिणाम हुआ। दूसरा, अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव, उसके जीवन जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया था कलिंग के युद्ध के पश्चात। वो हमेशा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जो जीता था उसको उसने अलविदा कहा, उसने पशुओं का शिकार करना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, पशुओं की लड़ाइयां जो करवाना था वो छोड़ दिया, भोग विलास की वस्तुओं का सदा के लिए त्याग कर दिया और एक आदर्श जीवन की शुरुआत की। तो इस प्रकार उसने आरंभ अपने से ही किया, तो अपने आप बदल गया तो प्रजा राजा को देखकर क्यों नहीं बदलेगी। तो इस प्रकार से अशोक के जीवन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव के कारण उसने अपने जीवन को ही बदल दिया। तीसरा जो परिणाम रहा वो है बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म वो धर्म है विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म जो सिखाता है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अहिंसा का बहुत
पालन जो है किया जाता है बौद्ध धर्म में। तो इस प्रकार से अब क्योंकि उन्होंने हिंसा छोड़ दी थी इसलिए उन्होंने धर्म भी परिवर्तन कर दिया था और इस प्रकार से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अहिंसा में पूरी तरह से विश्वास करना उन्होंने शुरू किया था। बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए, इस धर्म को लोकप्रिय बनाने में अशोक ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज बौद्ध धर्म विश्व के दूसरे देशों में भी शुमार है भारत को छोड़कर। तो इस प्रकार से ये श्रेय किसे जाता है? अशोक को। ये तीसरा परिणाम रहा बौद्ध धर्म का प्रचार। फिर चौथा आता है, वह है धम्म की स्थापना। इन्होंने धम्म की भी स्थापना करी, ऐसा धर्म जिसमें सिखाया जाता था कि बड़ों का आदर करो, छोटों से प्रेम करो, दान दो, अहिंसा में विश्वास रखो, सत्य बोलो, धार्मिक सहिष्णुता का अपने धर्म से तो प्यार करो ही लेकिन दूसरों का भी जो आदर करो, नियमों को, जो नियम थे धम्म के वो उन्होंने बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर, स्तंभों के ऊपर, आज भी अगर उनके जो शिलाएं हैं, जो स्तंभ स्थापित किए हैं अशोक के द्वारा, वहां आज भी आप इन चीजों को जो है लिखा हुआ पाओगे। और इसलिए उन्होंने एक अलग ही मंत्री जो नियुक्त भी किया था जिसे कहा जाता था धम्म महामात, जिसका कार्य होता धर्म का प्रचार करना। तो धम्म की स्थापना ये भी इसका परिणाम रहा। पांचवा था लोगों का कल्याण। इन्होंने लोगों का कल्याण में ही अपना पूरा जीवन जो है अर्पित कर दिया था, जैसे कि सड़कें बनाना, छायादार वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना, सराएं बनाना, अस्पताल बनाना। अस्पताल से बात आती है कि उन्होंने न केवल आदमियों के लिए बल्कि जानवरों के भी जो है वो अस्पताल खुलवाए थे। तो उन्होंने अब जो है अपने जीवन का जो उद्देश्य था वो कोई जीत हासिल करना नहीं था तलवार के बलबूते पर, बल्कि अपने कार्यों के जरिए जो है लोगों के दिलों को जीतना जो है उन्होंने ये ध्येय माना था। तो लोगों का कल्याण सबसे सर्वोपरि माना उन्होंने किसके बाद? इस युद्ध के पश्चात। तो इसका ये परिणाम भी रहा। छठा आता सैनिक अयोग्यता। सैनिक निकम्मे हो गए, कमजोर हो गए। क्यों? क्योंकि कई सौ वर्ष, कई दशकों तक जो है वो युद्ध नहीं, अशोक जब तक रहे उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। तो उससे क्या हुआ, जो दक्षता थी, जो लड़ने की क्षमता थी सैनिकों की, वो जाती रही। इस प्रकार से अशोक के मरने के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी थे वो कोई किसी भी युद्ध को जो है, या अपनी वीरता के लिए जो जो सैनिक जाने जाते थे, उनका पूरे तरह से उन्हें सहयोग, ना ही राजा योग्य रहा और ना ही सैनिक योग्य रहे। तो सैनिकों के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था इस नीति का, किसकी? अशोक की नीति का। तो इस प्रकार से कलिंग के युद्ध के पश्चात जो है इनके सैनिक अयोग्य हो गए और इससे क्या हुआ, आने वाले जो दशक थे उसमें जो है पतन होता चला गया, किसका? मौर्य साम्राज्य का। सातवां था साम्राज्य का विस्तार। अब उस समय अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात जो मौर्य साम्राज्य था वो वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य में, लेकिन इसमें कलिंग भी शामिल हो गया था। याद रखना, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक जो है फैला हुआ था, लेकिन इसमें कलिंग भी शामिल था। क्लियर है? तो इस तरह से आज के ये विषय हमने यहीं समाप्त किए, लेकिन मेरी दो लाइनें जरूर सुनिएगा जो आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। अशोक क्या कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपने धर्म का सम्मान और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। महान वही है जो अपने धर्मों को तो इज्जत दे बल्कि दूसरे धर्मों को भी उतना ही सम्मान दे, उतने ही हृदय से उन्हें भी लगाएं। ये होना बहुत जरूरी है। मानवता सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है, उस पर चलते हुए आप भी अपना नाम कमाएं, दूसरों से प्रेम रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपका पुनः धन्यवाद। थैंक यू।